नमस्कार, दीक्षित की दावत में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ आम की कुल्फी की रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि आम का मौसम हो और आम की बात न हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए आम की कुल्फी बनाएंगे। इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमें घर में मिलेंगे, हमारी किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कंडेंस मिल्क। उसके लिए हमने आधा लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। कंडेंस मिल्क आसानी से आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी तरीके से घर पे भी बना सकते हैं। हम इसे घर पे बनाएंगे, फटाफट 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। दूध जब तक उबल रहा है तब तक हमने ये 250 ग्राम मैंगो है हमारा बड़े साइज़ का, इसे हम रफली काट के रख लेंगे। दूध हमारा उबाल आ गया है। दूध उबाल आने के बाद हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। इसे कंटिन्यू चलाते हुए फुल फ्लेम पर आप इसे 10 मिनट तक गर्म करेंगे तो ये करीब आधा रह जाएगा हमारा दूध, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, दूध हमारा आधा रह गया है 50%, और काफ़ी गाढ़ा हो गया है। कंडेंस मिल्क बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप बनाकर लंबे टाइम तक रख सकते हैं अपने घर में, कभी भी आपको कोई मिठाई आइसक्रीम बनानी हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/8 चम्मच मीठा सोडा, बेकिंग सोडा है ये। अब फ्लेम हम बिल्कुल कम कर देंगे और कंटिन्यू तेज़ी से चलाते हुए से उबालेंगे। इसमें छोटे छोटे बबल्स पहले आएंगे, काफ़ी सारे, फिर धीरे धीरे बड़े बबल्स होते जाएंगे और ये इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। मीठा सोडा दूध की लाइफ को बढ़ाएगा, ना कि इसे फटने देगा। ऐसा डाउट ना रखें कि दूध ख़राब हो जाएगा, बल्कि कंडेंस मिल्क की लाइफ बढ़ जाएगी और हम इसे लंबे टाइम तक रख सकेंगे। 2 से 3 महीने तक आप इसे आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए, एकदम अच्छा गाढ़ा हमारा कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है। आप इसकी थिकनेस ऐसे बाउल में चेक कर लीजिए और बस इतनी ही थिकनेस का रखिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा ना करें। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। बस ये हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है। हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और ठंडा होने पर यूज़ करेंगे। जितनी देर में हमारा कंडेंस मिल्क ठंडा होगा, हम मैंगो पल्प बनाकर तैयार कर लेंगे। पल्प हमारा तैयार है। 5 मिनट के बाद हम कंडेंस मिल्क को चेक कर लेते हैं। ये हमारा ठंडा भी हो गया है कंडेंस मिल्क, और रेडी हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल तैयार है। ऐसे जार में, ग्लास कंटेनर में आप इसे रख के, कवर करके एयरटाइट कंटेनर में आप फ्रिज में 2 से 3 महीने तक रखिए। अब हम 1 कप क्रीम ले लेते हैं यहाँ पर। इसकी जगह आप 1 कप मलाई ले सकते हैं घर में, अगर फ्रेश मलाई है तो। आप चाहें तो बाज़ार की क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम अब 6-7 ये इलायची का पाउडर है हमारा, ये डाल लेंगे, और 7-8 चम्मच के करीब टेबल स्पून हमारे डालेंगे इसमें बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क डालेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद ये हमारा मैंगो कुल्फी का मिक्स तैयार हो गया। अब हम इसे कुल्फी मोल्ड में डाल देंगे, जमने के लिए तैयार करेंगे। मोल्ड में डालने के बाद आप इसे फ्रीजर में रखेंगे, कम से कम 8 से 12 घंटे इसे चाहिए अच्छा जमने के लिए, या आप इसे हॉल नाइट पूरी रात भी रख सकते हैं। इसी तरीके से सारे मोल्ड हम तैयार कर लेंगे। फ्रिज में रखने के लिए हमारी कुल्फी तैयार है। कुल्फी जमकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा हम नॉर्मल वाटर ले लेंगे और उसमें हमारे मोल्ड को डिप करके, और एक अच्छे शार्प नाइफ की हेल्प से आप कुल्फी को निकाल लीजिए। ये आसानी से रिमूव हो जाएगी। बहुत क्रीमी सी हमारी सॉफ्ट मैंगो कुल्फी तैयार हो गई है बिल्कुल। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत आसानी से तैयार होने वाली है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर कंडेंस मिल्क रेडी है तो आपको 10 मिनट भी इस कुल्फी का मिक्स तैयार करने में नहीं लगेंगे।
रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें।